नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन, आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज। बिहार स्थित विभिन्न अस्पताल के सामने आज सामान्य रोगी की दशा ठीक नहीं है। कोरोना को लेकर नीतीश कुमार की खिंचाई जनता से लेकर मीडिया तक कर रही है। इस बीच सूबे में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 25,000 हो गई है। राजद से जुड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे हमला तेज कर दिया है। दल के सामने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार को सभी मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाने के लिए थिंक टैंक की सक्रियता में राजद जुट गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत अन्य नेताओं को भरोसा है कि कोरोना एवं बाढ़ का मुद्दा इस सरकार के लिए गले का फांस बनेगी। बिहार सरकार ने अब शहर के 25 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच की सुविधा मुफ्त बहाल कर दिया है। जांच कराने वाले लोगों को केवल आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाने का दावा किया गया है। खास बात यह है कि कंटेनमेंट जोन और बुजुर्गों को यह सुविधा घर बैठे दी जाएगी। शनिवार को पटना गया रेलखंड पर समपार रेल क्रॉसिंग करते हुए ट्रैक पर रेल और कार की हुई भिड़ंत के बाद इलाके के आम लोग सहमे हुए हैं। खास बात यह है कि जिस रास्ते पर हादसा हुआ वो अवैध है। इस घटना में अभियंता दंपति के साथ उनके बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई थी। बिहार में निर्धारित विधानसभा चुनाव की तैयारी में एनडीए गठबंधन के नेता एवं कार्यकर्ताओं को जुटा हुआ देख बिहार के नेता प्रतिपक्ष का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उनका मानना है कि राज्य सरकार को जनता के परेशानी से सरोकार नहीं है। कोरोना और बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन जदयू भाजपा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच भाजपा नेता हरेंद्र प्रसाद सिंह, अरविंद शर्मा एवं बालेश्वर भारती ने विपक्ष पर गलत बयानबाजी करने तथा बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। इन नेताओं ने कहा है कि बिहार में फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बाढ़ और कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों की पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से सजग रहने को कहा है। उत्तर बिहार में अभी भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के तहत उच्चैठ दुर्गा स्थान क्षेत्र में बाढ़ का पानी नए इलाकों में फैल गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बिहार के 15 रेलवे स्टेशन पर खड़े किए जाएंगे कोविड केयर कोच, ताकि मरीजों को सहूलियत हो सके और रेल डिब्बों में बेहतर चिकित्सा के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई है तथा उन्हें आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि वे राजनीतिक संक्रमण के शिकार हो गए हैं, जो कोरोना संक्रमण से भी खतरनाक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बीच कहा है कि सजायाफ्ता व्यक्ति का नेतृत्व महागठबंधन से जुड़े दल नहीं स्वीकार करे।